हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो इससे पहले मैं यूक्लिड का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन नंबर 1 था इस एक्सरसाइज का, वो भी हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, तभी आपको ये दोनों क्वेश्चंस इजीली समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आपको यूक्लिड का अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता है तो आप उस वीडियो को जा करके ज़रूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ठीक है ना। तो देखिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई, इसमें बोल रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5, वेयर क्यू इज सम इंटीजर। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चंस ना होते हैं हमेशा यूक्लिड से, याद रखिएगा, ठीक है ना। यूक्लिड क्या होता है, लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स। यूक्लिड क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू बी से छोटी, जीरो जीरो से बड़ी, ये बोलता है यूक्लिड, ठीक है ना। अब यहां पर बोल रहा है कि प्रूव करना है आपको कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी आप पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लो, चाहे आप 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, कोई भी आप पॉजिटिव ऑड इंटीजर उठा लो, वो इस फॉर्म में होना चाहिए या इस फॉर्म में होना चाहिए या इस फॉर्म में होना चाहिए, आपको प्रूफ करना है। या तो 6Q+1 की फॉर्म में होना चाहिए, 6Q+3 की फॉर्म में होना चाहिए, या 6Q+5 की फॉर्म में होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं, यूक्लिड की हेल्प से। यूक्लिड ये होता है, मैंने बता दिया आपको, ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू क्वेश्चन है, आर रिमाइंडर है, और आर की वैल्यू डिवाइजर से छोटी होती है, जीरो जीरो से बड़ी होती है। सिंपली ये यूक्लिड है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ये सब। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, जो डिविडेंड है डिविडेंड को लेट करना है। तो मैंने मान लिया लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, भाई जिसको वो प्रूफ करने की बात कर रहा है, जिसको वो प्रूफ करने की बात कर रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसको मैंने डिविडेंड मान लिया ए। अब वो बोल रहा है कि प्रूफ करो वो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, मतलब ऑड इंटीजर इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में होगा या तीनों फॉर्म में होगा, ठीक है ना। अब ये हो गया 6Q+1। देखो भाई, डिविडेंड मिल गया, अब मुझे डिवाइजर ढूंढना है, ठीक है ना। देखो डिवाइजर की हिंट आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगी, जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बी की वैल्यू क्या है, 6। देखो भाई, इसका मतलब क्या है, 6 का मल्टीपल +1, 6 से डिविजिबल +1। देखो भाई, कोई भी क्यू एक नंबर है ना, क्यू कोई भी एक इंटीजर आप मान सकते हो, मतलब ए जो है ना वो 6 से डिवाइड हो रहा है और एक रिमाइंडर छोड़ रहा है। देखो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे, दोनों सेम ही तो है, तो यहां से आपको पता चलेगा कि बी की वैल्यू क्या है, 6। तो आपको ए मिल गया, बी मिल गया। मान लो यहां पे लिखा होता 4 का मल्टीपल में +1, 4 के मल्टीपल में +3, तो आप बी को क्या मानते, 4 मानते। तो यहां पर जो लिखा होता है डिवाइजर वही होगा, जो इसके साथ लिखा होगा डिवाइजर वही होगा, यानी बी की वैल्यू क्या हो गई, 6। तो डिविडेंड मिल गया, डिवाइजर मिल गया। देखो क्यू होता है कोई भी एक इंटीजर, वो 1, 2, 3, जो भी क्वेश्चन आपका आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो हमें लेट नहीं करने की जरूरत, क्यू को इंटीजर रहने दो। अब रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है, डिवाइजर से छोटी, मतलब रिमाइंडर 6 से छोटा है डिवाइजर, क्योंकि 6 है और 0, 0 से बड़ा है ना। रिमाइंडर की वैल्यू 6 से छोटी है, 0, 0 से बड़ी है, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो गई, 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, और ये 6 वैल्यूज होंगी भाई। 6 से छोटा मतलब 5, 4, 3, 2, 1 और 0 तक देना है, 0। अब आप क्या करो, इन सारी वैल्यूज को, ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया था, बी 6 हो गया, आर आ गया, पुट करो इनको इन सब में। तो पहले क्या लिखोगे आप, पहले यहाँ पर 6 लिखा, पहले आप आर की वैल्यू 0 मान लो, फिर आप आर की वैल्यू 1 मान लो, फिर आप आर की वैल्यू 2 मान लो, फिर आप आर की वैल्यू 3 मान लो, फिर 4 मान लो, और उसके बाद 5 मान लो, ठीक है भाई। अब यहां पर क्योंकि मैंने ए ऑड इंटीजर माना है, तो इनमें से मुझे बताओ ऑड वाले नंबर कौन कौन से हैं। तो आप कहोगे ये और ये, क्योंकि भाई ये तो आपको गिवन, ये तो आपको इवन वैल्यूज देगा ना, 0 वाला, 4 वाला, 2 वाला, ये तो इवन है ना। तो प्रूव हो गया कोई भी ऑड इंटीजर
किस फॉर्म में होगा, या तो 6q+1 की फॉर्म में होगा, या 6q+3 की फॉर्म में होगा, या 6q+। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। बस आपको करना क्या है, यूक्लिड लिख के डिविडेंड डिवाइजर, डिविडेंड तो आपको लेट करना है, डिवाइजर आपको यहाँ से क्वेश्चन से मिल जाएगा, क्वेश्चन से मिल जाएगा ना। अगर 6q+1 लिखा है तो 6, 4q+1 लिखा है तो 4, और रिमाइंडर डिवाइजर से मिल जाएगा, डिवाइजर है ना। जैसे डिवाइजर 6 था तो रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइजर से छोटा, 0 0 से बड़ा। वैल्यूज आ गई, आपको सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है, इवन और ऑड छांट लेने हैं बस। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें बोल रहा है एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। देखो भाई, इंडिया में आपको पता ही है कि परेड निकलती है 26 जनवरी पे, है ना। तो उसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि 32 जो है ना आर्मी बैंड मेंबर्स हैं, और 616 मेंबर्स हैं जो कि आर्मी बैंड के पीछे आने वाले हैं। पहले क्या होगा, आर्मी बैंड वाले निकलेंगे, है ना, परेड निकलती है प्रेसिडेंट के सामने से, तो पहले आर्मी बैंड वाले निकल रहे हैं और उसके बाद 616 जो मेंबर्स हैं ना उनके पीछे आ रहे हैं वो, ठीक है भाई, परेड कर रहे हैं वो। तो बोल रहे हैं द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही मेन चीज है, बोल रहा है कि जो दोनों की मार्चिंग हो रही है, आपने देखा होगा कि जब एक परेड निकलती है दूसरी परेड निकलती है, आपने देखा होगा कि उनके जो कॉलम्स होते हैं ना वो सेम होते हैं। जैसे मान लो कॉलम किसको माना जा रहा है, जैसे मान लो परेड ऐसे जा रही है, कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है ऐसे फ्रंट से उसको देख रहा है, तो उसके लिए ये कॉलम्स हैं, है ना। अगर आप फ्रंट से देख रहे हो तो ये कॉलम है, या फिर आप उसको लाइंस भी बोल सकते हो, है ना, एक लाइन में खड़े हो जाओ, इस तरीके से आप उसको लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि दोनों ग्रुप के जो कॉलम्स हैं वो सेम होने चाहिए। भैया हम परेड में भी यही देखते हैं, मान लो पहले की 10 लाइनें थी तो अगले वाला भी 10 लाइनें ही बनाएगा, उसके अगले वाला भी 10 लाइनें ही बनाएगा, 10 कॉलम ही बनाएगा, है ना। तो इस तरीके से उसने यहाँ पे कंडीशन डाल दी कि दोनों परेड के जो कॉलम्स हैं वो सेम होने चाहिए। बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। आपको बताना है कि कितनी लाइनें वो मैक्सिमम बनाएंगे, दोनों दोनों में दोनों की लाइनें बननी चाहिए सेम, और कितनी मैक्सिमम बनेगी आपको बताना है, ठीक है ना। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चंस जब हम पढ़ते हैं अभी तक, देखो दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है HCF और एक होता है LCM, है ना, एक होता है HCF और एक होता है LCM। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ के ना हम जज नहीं कर पाते कि यार HCF निकालना है या LCM निकालना है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं कि HCF निकालना है या LCM निकालना है। अगर उनको बता दो कि HCF निकालना है तो फटाफट क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन यही नहीं जज हो पाता कि HCF निकालूं या LCM निकालो। देखो इसके लिए आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपको कन्फ्यूजन होगी कि HCF निकालना है या LCM निकालना है ना। कई सारे मतलब बोल देते हैं कि भैया मैक्सिमम लिखा है तो मतलब HCF निकालना है, मिनिमम लिखा है तो LCM निकालना है, मतलब वो जो है एक रटने वाली चीज़ डाल देते हैं दिमाग में कि हाँ भाई मैक्सिमम है तो HCF निकाल दियो और मिनिमम है तो LCM निकाल दियो। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको जो है प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है कि कब HCF निकलता है और कब LCM निकलता है। जब आपको ये चीज़ बेस क्लियर होगा तो आप कन्फ्यूज़ होगे ही नहीं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने दो नंबर लिखा, 4 और 8, मैंने बोला कि इन दोनों का HCF बताओ, इन दोनों का HCF बताओ। तो HCF होता है एक ऐसा नंबर, HCF इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड, एक ऐसा मैक्सिमम नंबर जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड। आप बोलोगे यार इन दोनों को डिवाइड तो 1 भी कर रहा है, दोनों को 2 भी कर रहा है, दोनों को 4 भी कर रहा है ना, क्या 4 के आगे कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, नहीं, 4 क्या हो गया, मैक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। मतलब अगर इन दोनों नंबर का मुझसे HCF पूछ रहा है तो वो क्या होगा, 4। यानी कि HCF एक लिमिट तक जाता है, एक लिमिट तक मैक्स होता है, उसके बाद उसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है। भाई 4 के ऊपर है कोई ऐसा नंबर थोड़ी है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। आप 8 थोड़ी बोल सकते हो, 10 थोड़ी बोल सकते हो, 20 थोड़ी बोल सकते हो, मैक्सिमम क्या है, 4। तो HCF क्या होता है, ऐसा नंबर, ऐसा मैक्स नंबर जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड। अब LCM पर आते हैं, मान लो दो नंबर है 3 और 5,
मैंने बोला एक ऐसा नंबर बताओ जिसको ये दोनों डिवाइड कर दे। आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको ये दोनों नंबर डिवाइड कर दे। तो आप कहोगे 15। 15 को देख लो, 3 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है। उसके बाद आप बोलोगे 30, उसके बाद आप बोलोगे 45, उसके बाद 60, उसके बाद 75, उसके बाद 90, चलता रहेगा चलता रहेगा। क्या आपको इसका लास्ट नंबर, क्या आप मुझे बता सकते हो लास्ट नंबर? आप कहोगे नहीं सर, नहीं बता सकते। तो इसमें एलसीएम की कोई लिमिट नहीं है, एलसीएम का कोई आखिरी नंबर नहीं है। इसलिए क्या माना जाता है इन दोनों का एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब पहला नंबर जिनको ये दोनों क्या कर दे, डिवाइड। तो अब दोनों में फर्क समझो। इसमें आपको मैक्स जाना है, मतलब मैक्स मैक्स तक जाओगे उसके बाद नहीं जा पाओगे आप। ये एचसीएफ होता है। यहां पे आपको जो लास्ट नंबर है आप नहीं बता पाओगे, इसलिए क्या उनसा नंबर बताते हैं, पहला नंबर बताते हैं। तो ऐसे निकालते हैं हम एचसीएफ और ऐसे निकालते हैं हम। ये चीज जज करनी हमें आनी चाहिए कि मैक्स तक जाना है या पहला नंबर बताना है। तो एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि भाई 32 मेंबर हैं, उसके पीछे 616 मेंबर हैं, आपको लाइनें बनानी है, कितनी मैक्स बनेंगी बतानी है, ठीक है ना। आपने क्या करा, 32 के 32 जो मेंबर है आर्मी बैंड के, वो आपने एक ही लाइन में लगा दिए। बोला 32 मेंबर को बोला भाई एक ही लाइन में खड़े हो जाओ सारे के सारे, ठीक है भाई, बेचारे खड़े हो गए। उसके बाद 616 बंदे भी एक ही लाइन में खड़े हो गए। भाई पहले 32 बंदे गुजरेंगे, उसके बाद उनके पीछे 616 बंदे आएंगे, एक ही लाइन बनाई आपने। लेकिन फिर आपने सोचा यार क्या एक ही लाइन बन सकती है, क्या और लाइनें नहीं बन सकती? तो आपने दिमाग लगाया, नहीं यार भाई दो लाइनें भी बन सकती हैं, इसमें 16 मेंबर, इसमें 16 मेंबर। आपने एक लाइन में पहले 32 खड़े करे थे, अब आपने क्या करा 16 16 खड़े कर दिए, और उसके बाद फिर 616 भी दो लाइन में आ गए, जो भी होंगे 308 308, ठीक है। लेकिन फिर आपने सोचा क्या और नहीं बन सकती यार? फिर आपने सोचा अरे यार बिल्कुल 4 बन सकती है भाई। फिर आपने क्या करा, हर लाइन में 8 8 बंदे खड़े कर दिए, 32 बंदे खड़े हो गए, ठीक है ना। फिर आपने सोचा क्या और नहीं बन सकती यार? फिर आपने सोचा हाँ भाई और भी बन सकती है भाई, 4 4 बंदे खड़े कर दो, 8 लाइनें बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने 4 4 बंदे खड़े कर दिए इस तरीके से। ऐसे ही 616 अपने आप अरेंज हो रहे हैं, है ना भाई। आपने 4 4 बंदे खड़े करे थे, अब आपने क्या करा, आपने 2 2 बंदे खड़े कर दिए, ऐसे करके 16 लाइनें बनेंगी। फिर आपने 1 1 बंदा खड़ा कर दिया, आप ऐसे करके 32 लाइनें बन गई। समझ में आया आपको क्या हो रहा है? पहले आपने एक ही लाइन में खड़ा करा 32 बंदों को, फिर आपने बोला और लाइनें बन सकती है, 2 बनाई, 4 बनाई, 8 बनाई, 16 बनाई, 32 बनाई, 32 लाइनें बना दी। अब इन 32 लाइन में क्या हो रहा है, एक बंदा एक एक लाइन में खड़ा हुआ है। क्या आपने सोचा यार इससे ज़्यादा बन सकती है क्या? आपके पास आंसर आया नहीं, क्योंकि भाई 32 बंदे हैं, एक एक लाइन में एक एक बंदा खड़ा कर तो दिया, और बंदे ही नहीं है तो इसके आगे बढ़ ही नहीं सकता नंबर, इसके आगे बढ़ ही नहीं सकता। मतलब ये मैक्स हो गया कि नहीं? तो आपको समझ में आ गया कि भैया मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। देखो यार यहाँ पे 4 के आगे बढ़ रहा था नंबर, नहीं मैक्स था ना। ऐसे ही यहाँ पर 32 के आगे क्या लाइनें बन सकती है, नहीं, ये मैक्स है ना। तो जब भी मैक्स तक पहुँच जाओ आप, तो आपको क्या निकालना है उन दोनों का एचसीएफ। देखो भाई मैं सीधा भी बता सकता था कि भैया दोनों का एचसीएफ निकाल दो। कईयों को लग भी रहा होगा कि भैया इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दे रहा है, सीधा बताया एचसीएफ निकालना है, ख़त्म करते हैं। लेकिन फिर से वही बात कि भाई प्रॉपर नॉलेज, क्वेश्चन को प्रॉपर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ के आप और 10-20 क्वेश्चन अपने आप से कर सकते हो, जज कर सकते हो कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना, बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको पता चल चुका है कि आपको एचसीएफ निकालना है, नंबर है 616 और 32। तो कैसे निकालते हैं, यूक्लिड की हेल्प से 616 अंदर रखो, 32 बाहर। 32 वंजा होता है 32, 11 में से 2 गए 9, 5 में 3 गए 2 और 6 सेम। फिर 32 के टेबल में 6 पर देखते हैं किस पर आ रहा है, 32 के टेबल में क्लोज नंबर किस पर आता है, 8 पर देख लेते हैं, 8 2 16 24 25, 8 पर आता है 256। उसके बाद 6 में 4 गए 2, 9 में 5 गए 4, है ना, 256 है, सॉरी ये 0 हो गया, ठीक है ना। 40, फिर 32 वंजा 32 भी हो जाएगा दोबारा से, तो ये 8। उसके बाद अगला डिवाइड क्या होगा, 32 अंदर आ जाएगा, 8 4 जा कितना होता है 32,
खत्म हो गया। तो दो स्टेप चला डिवीजन, ये पहला स्टेप था और ये दूसरा स्टेप। तो क्या लिखूंगा, 616 को लिखूंगा इन दोनों का, इन दोनों का प्रोडक्ट, और प्लस में रिमाइंडर जो कि आया था 8, और अगला में 32 को लिखूंगा 8 × 4 प्लस 0। तो जो इन दोनों का एच सी एफ है 616 और 32 का, वो कितना है 8। तो मतलब कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितना बन रहा है, मतलब कि आप 8 से ज़्यादा लाइनें नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 8 लाइनें बनानी है, 8 लाइनें बनेंगी 32 की भी और 8 लाइनें बनेंगी 616 की भी। अब मान लो अगर आपसे पूछता कि एक लाइन में कितने बंदे हैं, ठीक है भाई, आपके पास 32 बंदे थे आर्मी बैंड के, आपको बोला एक लाइन में कितने बंदे हैं, तो आपको क्या करना है, 32 को 8 से डिवाइड कर देना है, ये हो जाएगा 4। और अगर आपको बोलता 616 में एक लाइन में कितने बंदे हैं, एक लाइन में, तो 616 को भी 8 से डिवाइड कर दो। ये मैंने अपने से बताया है आपको ना, लाइनें तो 8 हैं, एक लाइन में कितने बंदे हैं डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 8 7 56। मतलब कि लाइनें तो दोनों की 8-8 बनेंगी, लेकिन आर्मी बैंड में एक लाइन में 4 बंदे हैं और जो पीछे उसके आ रहे हैं उसमें एक लाइन में 77 बंदे हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 2 और 3। भले ही थोड़ा सा ये लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि यार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बेसिक समझ में आया होगा एच सी एफ एल सी एम क्या होता है। तो आगे आने वाली वीडियो, अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।